सिहुरा में मां वैष्णवी कपड़ा दुकान में 7 जून की रात करीब 11 बजे के दौरान भीषण आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। रात 12 से 12:30 बजे के करीब दुकान के परिसर में नागरिकों के ध्यान में ये बात आते ही आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए, किंतु इस भीषण आग में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान मालिक संजू गोपाले से मिली जानकारी के अनुसार इस आगजनी में उनका करीब 40 से 45 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी दी गई है। जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।